अम्मी प्लीज, निखत का जिक्र अपनी सुबह पर भी मत लाइए। हम सबको पता है कि निखत वापस नहीं आ सकती। माना की खुशबू निखत की तरह दिखती है, लेकिन महज ये इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। ठीक कह रहे हैं अम्मी, इस लड़की की सिर्फ शक्ल निखत से मिलती है, मिजाज नहीं। कहां वो चुड़ैल पात पात पर घबरा जाती थी, और ये घबराना तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता इस लड़की को किसी की परवाह भी है। मैं तो बस पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हैदर, मेरा? आप यहाँ मेरी वजह से लौटे या आपकी चुटकी की वजह से? हाँ? कोई बहाना देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको देख लिया है किचन में आपकी प्यारी चुटकी के साथ खाना बनाते हुए। आपको ये याद रहा कि आपको उसकी हेल्प करनी थी, लेकिन आपको ये याद नहीं रहा कि मैं छत पे आपका वेट कर रही थी। आपको ये याद नहीं रहा कि हम साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे। को याद क्यों रहेगा? आपके लिए तो ये जरूरी नहीं है, आपके लिए बस जरूरी है आपकी छुटकी और उसके साथ कुकिंग करना, है ना? फोन चेक कीजिए, मैंने आपको अभी भी मैसेज किया है, पर आप इतने गुस्से में कि आपने देखा ही नहीं। I'm sorry. Oh, actually. मोहब्बत का गुस्सा और भी प्यारा होता है। आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में और भी हसीन लगती हैं। चले। You know what? अगर वैरायटी ना हो ना तो दोनों बोरिंग लगते हैं। चिली सॉस पास करेंगी? क्या मैं सादा खाना खा सकती हूँ? वो क्या है ना, मसालेदार खाना खाने से मेरे सीने में जलन होती है। फरान, इसे कैसे खाते हैं? मुझे तो नहीं आता। स्पाइसी फूड। हे, व्हाट हैपेंड? आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आंटी समीरा बेबी,
थैंक यू सो मच, खाना बहुत ही टेस्टी था. थैंक्स. बट यू नो व्हाट, आज मैंने ना खाना एक्स्ट्रा खा लिया है. अब इस वजह से कल जिम में जाके 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा. आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है. आप इतनी खूबसूरत है और आपका फिगर, आई मस्ट से इट्स परफेक्ट 10. रियली? या ऑफ कोर्स. हाउ स्वीट. माफ करना जोया, लेकिन इस बार भी तुम्हारे दिल की आरजू पूरी नहीं होगी. अल्लाह ऐसे दिन किसी को ना दिखा. सब कुछ तो है बेचारी के पास, बस एक बाप का नाम ही नहीं. किसी पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रही है, यहां से वहां, वहां से यहां. लेकिन बेचारी कहां से लाएगी वो तस्वीर का आखिरी टुकड़ा, क्योंकि कुछ तस्वीरों के किस्मत में तो अधूरा रह जाना ही लिखा होता है. और हम तुम्हें वो तस्वीर का आखिरी टुकड़ा कभी नहीं लेने देंगे सोया, कभी नहीं. तुम ठीक थी सोया, ये सारा खेल हम ही खेल रहे हैं तुम्हारे साथ. क्या करें, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है. आराम से बैठते हैं ना तो बेचैनी से होने लगती है. लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि तुम बेवकूफ ज्यादा हो या हम अक्लमंद ज्यादा हैं. वो क्या ये वाजिद, आप कैसे सफाई करते हैं? देखिए यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, फेंकिए इसे. तुम सोच रही होगी सोया कि सब कुछ हम तुम्हारे साथ क्यों कर रहे हैं. तो हम तुम्हें बता दे सोया कि इसके पीछे भी एक राज है, बहुत बड़ा राज. हाँ बताएंगे बताएंगे, वो वजह भी तुम्हें बता देंगे. लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा सा तड़पा तो ले. मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपना बनाऊंगा, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर आपके अबू आपको मुझसे दूर ले गए तो. आखिर वो मुझे नहीं चाहते. सोचता हूं कि अगर ना चाहते हुए भी मुझ पे वादा खिलाफी का इल्जाम लग गया तो अगर हम अलग हो गए तो. आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे अब्बू भी नहीं. खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मौका आया कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, मैं डेफिनेटली आपको चुनूंगी. तमाम रिश्ते तोड़कर एक रिश्ता कायम करो. मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं. हैदर, अगर अब्बू नहीं माने तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे. आपसे अलग होने का मतलब अपनी जान से अलग होना. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.